യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ അബ് തോ മേ സനാത് ഹൂ അബ് തോ മേ परमेश्वर एक अच्छा किसान है। किसान कहां काम करते? किसान खेती में काम करते। किसान मिट्टी के साथ में काम करने वाला व्यक्ति है। किसान हम भी मिट्टी है। अच्छा किसान हम जो मिट्टी को उसका इच्छा का अनुसार बदलने वाला है, हम जो मिट्टी को उनका इच्छा का अनुसार उपयोगी बनाने वाला है। वो सिर्फ एक किसान नहीं है, वो एक अच्छा कुमार भी है जिसको मिट्टी के ऊपर अधिकार है। वचन में लिखा है कुमार को मिट्टी के ऊपर अधिकार है। किसान मिट्टी को जानते, कुमार को मिट्टी के ऊपर अधिकार है। किसान मिट्टी को जानकर हालेलुया उस मिट्टी को फलदायक बनाएगा, उसका मन का पसंद का सबसे बेहतर खेती बनाएगा। कुमार मिट्टी को तोड़ के मोड़ के उनको उपयोगी बर्तन हलल उनका मन भावना का अनुसार उस मिट्टी से एक अच्छा बर्तन को रचने वाला है कुमार। हललुया उस अच्छा कुमार का हाथ में आज रात को भी हमें सौंपतेगा। उस अच्छा किसान का हाथ में उपयोगी बनने के लिए हमें आज रात को हम समर्पण करेगा। हम काफी बार सुना हुआ एक बात है, आशीष और श्राप का बारे में, ब्लेसिंग एंड कर्स का बारे में। उत्पत्तियों का किताब आप पढ़ेगा तो उत्पत्तियों का किताब का तीसरा अध्याय में हम देख पाऊंगा सबसे पहले बार परमेश्वर श्राप करके शब्द इस्तेमाल किया। द फर्स्ट टाइम गॉड इज टॉकिंग अबाउट कर्स। हालेलुया। इसलिए दौड़ा बहुत बातों में उत्पत्तियों किताब से श्राप का बारे में और आशीष का बारे में आपको कह के देना चाहता हूं। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब का तीसरा अध्याय में हम देख पाऊंगा आदम और हवा ने, आदिम इंसान ने क्या किया? पाप किया। पाप करने का कारण से श्रापित हो गया। हालेलुया। हमने जल्दी बोला श्रापित हो गया, लेकिन उस जो भाग हम बहुत ध्यान लगाकर सीखेगा तो एक बात हमें मालूम पड़ेगा। देखो हालेलुया, हम बोलने के समय में काफी बार बोलते आदम श्रापित हो गया, हवा श्रापित हो गया, लेकिन उस जो वचन आप पढ़ के देखो उधर कभी भी परमेश्वर आदम को कहा क्या तुम श्रापित है, हवा को कहा क्या तुम श्रापित है? नो, दे गॉट पनिश्ड। हालेलुया। बिकॉज ऑफ सिन, हालेलुया, उनको पाप का क्या बोलते है, हालेलुया, वेजस उठाना पड़ा, पाप का सचा उठाना पड़ा, लेकिन कभी भी परमेश्वर उसको कहा नहीं यू आर कर्स्ड। अब जरा पढ़ के देखो उत्पत्ति का किताब तीसरा अध्याय का 14 से पढ़िए मामे। देखो इधर क्या लिखा, तुम अधिक श्रापित है। सभी जानवरों से, सभी घरेलू पशुओं से, सभी पशु पक्षियों से तुम क्या है? अधिक श्रापित है। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड गॉड यूज्ड against some person or against some object that you are cursed. ये परमेश्वर के वचन में सबसे पहले उपयोग किया शब्द है, कोई वस्तु ना तो कोई जानवर का विरुद्ध में तुम श्रापित है। तो फर्स्ट किसको श्राप दिया? उस जो सांप। हालेलुया। कुरिंथियों का पत्री में हम देख पाऊंगा कौन था वो श्राप? शैतान था। हवा को बहकाया सांप। तो मैं कहना चाहता सबसे पहले परमेश्वर, हालेलुया, एक श्राप किसके ऊपर डाला? शैतान को ऊपर डाला। तो आप कहो श्रापित कौन है? शैतान है। नीचे का भागों में पढ़ो उत्पत्ति का किताब तीसरा अध्याय का 14वां वचन से लेकर, हालेलुया, आपने 19वां वचन तक आप पढ़ेगा तो यू कैन सी फोर पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स देयर। चार व्यक्तियों ना तो वस्तुओं हम देख पाओगा, व्यक्तियों ना तो वस्तुओं। हालेलुया। आदम और हवा दो व्यक्तियों,
स्नेक, स्नेक को हम एक पर्सन मत बुलाओ, एक इत कहो, है ना, इत है ना, इत गॉड क्रिएट है, इत कहो है तो एक एक ऑब्जेक्ट ना, तो एक जानवर है, ठीक है। और चौथा वस्तु है धरती, भूमि, है ना। इस चार बातों को हम देख पाओगे, उसमें से दो चीजों को प्रभु ने श्राप दिया, दो चीजों को सजा दिया। डिफरेंस हमें सीखना है, सही है ना। दो चीजों को क्या दिया? श्राप दिया। सांप को बोला तुम श्रापित है, लेकिन आदम हवा को उस वजह पूरा पटके देखो, कहां भी लिखा नहीं, बोला नहीं तुम श्रापित है। लेकिन आदम को जब सजा दे रहे था, when God was declaring the punishment about Adam, then God said, 17, verse 17 पढ़िए। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण कौन श्रापित है? भूमि श्रापित है। तो हमें एक बात आपको क्लियरली बोलकर देना चाहता हूं, ह्यूमन रेस को परमेश्वर ने कर्स किया नहीं। हालेलुया, कर्स परमेश्वर का कर्स किया है, एकदम बुरा है। हालेलुया, वी आर नॉट कर्स्ड। हालेलुया, बिकॉज ऑफ आदम द अर्थ गॉट कर्स्ड, भूमि श्रापित हो गया। समझ में आया ना आपको? भूमि श्रापित हो गया, धन्यवाद यीशु। सांप श्रापित हो गया, लेकिन आदम हवा का बच्चा होने का नाते से लिटरली हम कर्स्ड नहीं है, लेकिन उस पाप का सजा अपने ऊपर आने वाला था। उस सजा से यीशु हमें क्या किया? बचाया। हालेलुया। सो आई एम नॉट अंडर एनी कर्स, आई एम नॉट अंडर एनी आदमिक कर्स। हालेलुया, मैं आदम का कोई कर्स का नीचे। कितना लोगों को ये हालल बात में विश्वास है? आदम के कारण से हुआ कोई भी कर्स का नीचे नहीं है हम। हालेलुया। लेकिन अगले चैप्टर में आज सुबह हम पढ़ा, कैन को एक श्राप मिला। हालेलुया, आदम को श्राप नहीं मिला था, लेकिन कैन को श्राप मिला। इस दोनों श्राप में बहुत फर्क है। हालेलुया, जो धरती के ऊपर मिला श्राप और कैन को मिला श्राप में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है मालूम है? जो सांप को मिला श्राप, धरती को मिला श्राप, वो पीढ़ी पीढ़ी तक ट्रांसफर होने वाला श्राप था। लेकिन कैन का मिला हुआ श्राप के बारे में उधर क्या लिखा है देखो, देयर इज अ कर्स अपॉन यू, फोर्थ चैप्टर में लिखा है, नाउ यू आर अंडर ए कर्स। हालेलुया, देयर इज बिग डिफरेंस, है ना। उस वोकैबुलरी में डिफरेंस है क्या? जरा पढ़िए, चार का ग्यारह पढ़िए, चार का ग्यारह, तू श्रापित है। इट्स अ पर्सनल कर्स, बिकॉज ऑफ द सिन दैट पर्सन गॉट कर्स्ड। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, पाप क्या करेगा मन में? श्राप को लाएगा। हालेलुया, आदम का परंपरा में जन्म होने के कारण से अभी आप में से कोई भी श्रापित नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में जब एक व्यक्ति पाप करेगा, उस पाप क्या करने वाला है? श्राप लाने वाला है। हालेलुया। सो कर्स है क्या? डाउट हो गया अभी, है ना। मैं कहा, मैं क्या कहा, यीशु का लहू का द्वारा आदमिक सारे पापों को, उसका सजा को, हालेलुया, यीशु ने क्या किया? कैंसिल किया। आदम का परंपरा में जन्म होने के कारण से अगर कोई भी तरह का कर्स होते तो वो सब कुछ यीशु ने कैंसिल किया। लेकिन व्यक्तिगत रूप में जब एक व्यक्ति पाप करेगा, जैसे कैन के ऊपर एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल श्राप गिरा, क्या बोला? यू आर अंडर ए कर्स। इन द सेम वे, इफ समबडी डू सच काइंड ऑफ सिन, दे कैन बी अंडर ए कर्स, उसको ऊपर श्राप आने का चांस है। व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण, दैट इज ड्यूट्रोनमी, है ना, ड्यूट्रोनमी, उसमें क्लियरली बता के दिया है। हालेलुया, श्रापित होने का क्या क्या कारण है। ड्यूट्रोनमी 27 का 15 से लिखा है, कौन कौन श्रापित है। हेलो, ये आदमिक श्राप नहीं है, ये आदमिक श्राप नहीं है,
ये आरंभिक परंपरा में जन्म हो गए उस कारण से हुआ श्राप नहीं है। ये लिस्ट में दिया हुआ श्राप पाप का कारण से एक व्यक्ति के ऊपर होने वाला श्राप है। बिकॉज ऑफ सिन ए पर्सन कैन बी गेट कर्स्ड। हाउ कैन गॉड गेट कर्स्ड? ना कैन कैसे श्रापित हो गया, वैसे एक व्यक्ति क्या हो सकते श्रापित हो सकते। हालेलुया। तो इधर लिस्ट दिया है, श्रापित होने का कारण बनने वाला पापों का लिस्ट दिया है। सभी पापों क्या होने वाला नहीं है, श्राप का कारण बनने वाला नहीं है। कैन का पाप क्या था? कैन उसका भाई का लहू बहाया, है ना, छोटा पाप नहीं है। कैन का भाई का लहू जैसे धरती में गिरा, ही बिकम कर्स्ड, मर्डर द, है ना। हालेलुया। कौन सा पाप है वो? हत्या किया। हत्या सबसे बड़ा एक पाप है। किसी का भी जान लेने का अधिकार दूसरे इंसान को नहीं है। मैं ऐसे बोल के देना चाहता हूं, कोई भी इंसान का जान लेने का अधिकार नहीं है, खुद का जान लेने का अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं हम, आत्महत्या, है ना। काफी लोग पूछते क्या पास्टर आत्महत्या किया वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा क्या? स्पष्ट रीति में बोलना चाहता हूं, नो चांस। क्यों? क्यों? क्योंकि खुद का जान उन्होंने क्या किया, लिया, हत्या किया। हालेलुया। उनको उनको फोर के ना मन फुराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए भी मौका नहीं है। That person is going to get eternally cursed. क्यों eternally cursed होते? क्योंकि उनको मौका आगे नहीं है। हत्या करने वाला व्यक्ति, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, कोई भी ज्यादा रेफर नहीं करते वैसे एक एरिया में कहेगा हालेलुया। क्या बोलते हैं, बोले भाई हालेलुया। अबॉर्शन, क्या बोला, अबॉर्शन, ज्यादा लोग उस एरिया में टच करेगा नहीं, हालेलुया। अबॉर्शन भी क्या होते मालूम है, धन्यवाद यीशु, दैट्स अ हत्या, हालेलुया। बच्चा का जन्म हुआ नहीं लेकिन मां का कोख के अंदर ही क्या हो गया मालूम है, हालेलुया, उस बच्चा को क्या कर रही, नष्ट किया। आपको जानते हर साल करोड़ों बच्चों को मां के कोख के अंदर ही क्या करते, हत्या करते। बच्चा एक मां का कोख के अंदर उत्पन्न हो गया, कुछ दिनों के अंदर ही, विद इन 3 days उसका हार्ट बीट शुरू होते, विद इन फ्यू आवर्स उसका हार्ट बीट शुरू होते। इसका मतलब क्या है, एक जान, हालेलुया, उसके अंदर शुरू हो गया है, एक जीवन शुरू हो गया है, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। डॉक्टर कहते 24 हफ्ते के अंदर तुम क्या कर पाओगा, अबॉर्ट कर पाऊंगा, गर्भ गिरा पाऊंगा, अबॉर्ट कर पाऊंगा, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का वचन के अनुसार इंसान को प्रभु ने क्या किया, नहीं, परमिशन नहीं दिया, हालेलुया, परमिशन नहीं दिया, धन्यवाद यीशु। तो मैं कहना चाहता, कितने विश्वासी लोग भी ये गलती करते, मैं कहना चाहता वो भी बहुत बड़ा पाप है, श्राप का कारण बनने वाला पाप है, हालेलुया। लहू बहाया, हत्या किया, वैसे पाप है, धन्यवाद यीशु। डुट्रोनमी चैप्टर 27 में आइए, डुट्रोनमी चैप्टर 27 में 15 से पढ़िए। कौन श्रापित होने वाला है? आमेन। आमेन। इफ यू डू दैट यू आर अंडर अ कर्स, यू आर अंडर अ कर्स, हालेलुया। मैं जानते काफी परिवारों में क्या हो गया था मालूम है, हालेलुया, उस कारण से श्राप आया। तो वो आरंभिक श्राप नहीं है, वो आरंभिक श्राप नहीं, वो श्राप कैसे आया, वो श्राप है बिकॉज ऑफ योर सिन, देयर इज अ कर्स अपॉन यू, हालेलुया। जैसे कैन को कहा यू आर अंडर ए कर्स, सो वी हैव टू एग्जामिन आवर लाइफ, ऐसे कुछ कारण से अपने ऊपर कर्स आया क्या। देखो मैं कहना चाहता, कुछ श्रापों आपका घर से हट जाने के लिए यू वॉन्ट टू डू ए हाउस क्लीनिंग, आपको जानता ना होगा, काफी छुटकारा इसीलिए रुकाए, काफी आशीष इसीलिए रुकाए, बिकॉज देयर इज सम ऑब्जेक्ट विच इज फेमिलियर विथ, हालेलुया,
in a demonic kingdom that is placed inside your house. Hallelujah. Demonic kingdom ke sath mein jo juda hua kuch cheezon mein aapka ghar ke andar. Hallelujah. Kafi udaharan mein bol sakte hain. Sabagai mein itna saal mein maine kafi jagahon mein dekha hai. Hallelujah. Dhanyawad Yeshu. कुछ ना तो कुछ चीज क्या ना आपका घर के अंदर आप रखा है, वो क्या करेगा आपका घर के अंदर एक श्राप लाएगा। और श्रापित होने का क्या क्या कारण है आगे पढ़िए। देखो ओ बच्चों ध्यान से सुनना है, बच्चों ध्यान से सुनना है, माता पिता को कभी भी तुच्छ समझना। आप कितना भी बड़ा हो, कितना भी आपको मम्मी पापा से पढ़ाई भी मिला होगा, some young people are like that. Hallelujah. Oh, क्या बोलेगा, बोले मेरा माँ बाप को कुछ जानता नहीं है। Hallelujah. Oh, पहले का जमाने का उनको उतना पढ़ाई नहीं है उनको, है ना। Still, hallelujah, you have to respect your parents. Hallelujah. कभी भी माँ बाप का विरुद्ध में बात करना, कितना लोग सुना। And that is the first commandment in Bible with a promise. बाइबल में सबसे पहले का कमांडमेंट विथ ए प्रॉमिस, बाकी सभी कमांडमेंट प्रॉमिस के साथ में नहीं था। वचन कहते दैट इज द फर्स्ट कमांडमेंट इन बाइबल विथ ए प्रॉमिस, फर्स्ट कमांडमेंट विथ ए प्रॉमिस क्या था, ओबे योर पेरेंट्स, माता पिताओं को क्या करो, क्या करो, आदर करो, उसका आज्ञाकारी बनो, ताकि तुम दीर्घायुमान बनने वाला है, यू विल लिव लॉन्ग। हालेलुया। So if you obey your parents, hallelujah, God will honor you. धन्यवाद यीशु। अगर obey नहीं करेगा तो, अनादर करेगा तो क्या होने वाला है, श्रापित होने वाला है। कितना लोग जानते माँ बाप का आशीष बहुत बड़ा आशीष है। हेलो, माँ बाप का आशीष, आमीन। पास्टर लोग अपने बच्चों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बेटा को आशीषित करो। हम कभी कभी बच्चों को लेकर पास्टर के पास आते हैं ना, मैं कहना चाहता उससे बड़ा आशीष है आप खुद आपका बच्चा का सिर पे हाथ रखे प्रार्थना करेगा तो, पास्टर से बड़ा है ना, माँ बाप सिर पे हाथ रखेगा तो बहुत बड़ा हालल। हमें बच्चों को सिखाना है, हम बच्चों के लिए सिर पे हाथ रखे उनका कितना बड़ा आशीष है मालूम है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। माँ बाप बुजुर्ग हो गया होगा, उनको अपना जैसे ज्ञान ना होगा, फिर भी बच्चों को उनके पास लेके जाना है और बोलना है पिता इनका सिर पर जरा हाथ रखो ना, इनको आशीषित कर दो ना। हालेलुया, उनके ऊपर एक आशीष आएगा, धन्यवाद यीशु, एक ब्लेसिंग आएगा। वचन में लिखा है अदरवाइज ना तो वो लोग क्या होने वाला है, श्रापित होने वाला है। और उसके आगे देखो, दूसरे का सीमा को हटाएगा तो श्रापित है। ये बात कहना इधर का लोगों को उतना मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन गांव में होते हैं, गांव में खेती का सीमा को क्या करते लोग इधर उधर करते। हालेलुया, उनका खेती का दौड़ा क्या करेगा हम, हालेलुया, सीमा को हटाने वाला ऐसे कैसे हो सकते, दौड़ा सीमा को हटाएगा तो क्या होने वाले। इसका मतलब क्या है मालूम है, वी वर्शिप ए राइटियस गॉड। हालेलुया, एक धार्मिक परमेश्वर को हम आराधना करते। वो कभी भी अन्याय को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उनका खेती से दौड़ा, हालेलुया, अपने तरह आ गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। गांव में इसे कहते था जब झाड़ू मारते तभी भी कोशिश करेगा दौड़ा उनका मिट्टी अपना। हेलो, मालूम है ना, ये सब गांव में होते था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वजन क्या कहा, वैसे तुम करेगा तो तुम श्रापित है। इसका मतलब नापने का कामों में, तोलने का कामों में अगर तुम, हालेलुया, है ना, वजन में तुम पाप करेगा तो तुम श्रापित है। आपको जानते काफी दुकानों में क्या होते हैं मालूम है, हम जाके एक किलो सामान खरीदेगा तो हकीकत में वो कितना होगा, 900, 700, 800। आप बोलेगा साहब पास्टर आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या होते हैं मालूम है, उसमें भी सेटिंग होते हैं। हम सुबह उधर दुकान में जाने से पहले वो दुकान खोलेगा तभी क्या करेगा मालूम है, उन्होंने 100 ग्राम का 200 ग्राम का कुछ सामान उधर रखेगा और उसको ऊपर कैलिब्रेट करेगा और क्या करेगा उधर सेटिंग शुरू करेगा। हालेलुया, मतलब 150 ग्राम उधर ही आपको सिरो दिखेगा, लेकिन क्या हो गया मालूम है, उन्होंने कुछ चीज रखे क्या किया था, उस मशीन को सेट किया था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वजन में क्या कहा था मालूम है, वो माप में पाप करेगा तो तुम कौन है। ऐसे तो काफी लोग श्रापित है, ऐसे कमाने वाला चीजों बराबर पेट के अंदर हजम। ओ हालेलुया,
अन्याय में जो कमाते वो कभी भी एक व्यक्ति का आशीष बनने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता जो हम कमाते दौड़ाई होगा, सीधा रास्ता से कमाओ वो अपने साथ में रहने वाला है। और जब मैं क्या लिखा है मालूम है, अन्याय में कमाने वाला चीजों दूसरा किसी पक्षी का अंडों को ऊपर बैठने वाला पक्षी जैसे एक दिन बच्चों बाहर आएगा और उठ के क्या करेगा, अपना घोंसला चोट के उठ जाएगा, चला जाएगा, अपने पास रहने वाला नहीं है। हालेलुया। न्याय के साथ में दौड़ा ही होगा लेकिन शांति के साथ में हम जी पाऊंगा। अन्याय के साथ में बहुत कमाया लेकिन आपको नींद नहीं आएगा, ये कभी भूलना नहीं है। वचन में लिखा है वैसे करेगा तो तुम कौन है श्रापित है। उसका आगे जल्दी देखो, अंधे को मार्ग से भड़का देते हो श्रापित है। इसका मतलब क्या है मलबे, हमसे जो ज्ञान कम है, हमसे जो बात तुम जानता नहीं है उसको बहका के कभी भी चीटिंग करना, उसको कभी भी घुमा फुरा के अपना फायदा के लिए कुछ भी करना, अंधे को बहकाना नहीं है। अंधे को जानते नहीं आगे गड्ढा है क्या है, आप कभी भी उसका रास्ता को अंधे, इसका मतलब सिर्फ अंधे नहीं है, कोई भी तरह का अंधे हो जिस विषय में ज्ञान नहीं है उसको बहकाना नहीं है। आजकल कितना लोग ऐसे करते है ना, डू नॉट मिस गाइड एनी पर्सन। हालेलुया। इफ यू मिस गाइड समबडी देयर विल बी अ कर्स अपॉन यू। हालेलुया। कितना लोगों समझ में आया, कोई भी अपना फायदा के लिए कभी भी किसी को भी क्या करना नहीं है, मिसगाइड करना नहीं है, मिसगाइड करना नहीं है। हालेलुया। अपना फायदा के लिए उनको घुमा के कुछ गड्ढा में जाके गिराना, इफ यू डू दैट यू विल बी अंडर ए कर्स। कैन यू आर अंडर ए कर्स। तो आज तक हमने क्या सुना, यीशु मरा इसलिए अपने ऊपर कुछ पाप और कुछ श्राप। मैं कहना चाहता हूं भाई, यीशु मरा बात सही, आपका श्रापों से जुड़ा है फुर्फी, आपने ऐसे कुछ कामों स्टिल यू आर डूइंग दैट। हालेलुया। देयर इज अ कर्स अपॉन यू। अभी भी ये काम करते तो क्या होने वाला है, हाँ विश्वासी बोला हो गया बोल के कहना ये हट जाने वाला नहीं है। यू आर अंडर अ कर्स। यू वांट टू प्रे फॉर दैट, यू वांट टू रिपेंट अबाउट दैट, यू वांट टू कम बैक अबाउट दैट। हालेलुया। उसमें वापस लौटाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, हाउस क्लीनिंग करना पड़ेगा, जिंदगी को शुद्ध करना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा। जल्दी पड़िए, देखो परदेशी अनाथ विधवा को न्याय बिगाड़ेगा तो वो भी श्रापित है। और उसका आगे हाँ देखो ये मतलब क्या ना, व्यभिचार जैसे अन्याय करने वाला वो भी श्राप है। हालेलुया। सेक्सुअल इमोरालिटीज, अगले के वचनों में क्या बताया मल में, जो जो सेक्सुअल इमोरालिटीज, हालेलुया, व्यभिचार जैसे जो पापों वैसे पापों करने वाला क्या होते मल में, श्रापित होते। हालेलुया। मैं क्या कहा, धन्यवाद यीशु, जो भी परमेश्वर का वचन का व्यवस्था छोड़ के कोई भी व्यक्ति जिएगा एक उस व्यक्ति के ऊपर एक श्राप आने वाला। तो मैं एकदम स्पष्ट रूप में एक्सप्लेन किया, आत्मिक श्राप अलग है, कैन को मिला हुआ श्राप, हाँ आदम हव्वा को मिला हुआ श्राप में हकीकत में आदम को डायरेक्ट श्राप दिया नहीं, आदम के कारण से धरती श्रापित हो गया, सांप श्रापित हो गया, आदम हव्वा ये दोनों सजा पाया, लेकिन हकीकत में श्राप किसके ऊपर मिला, भूमि और श्राप, और फोर्थ चैप्टर में कैन, कैन को बोला देयर इज अ कर्स अपॉन यू, तेरा ऊपर एक श्राप है। कैन का श्राप हालेलुया व्यक्तिगत रूप में मिला हुआ श्राप है, पर्सनल सिन का कारण से इंडिविजुअली मिला हुआ श्राप है कैन का श्राप। समझ में आया ना, उस श्राप को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में नम्र करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं काफी लोगों को जानते हैं, हालेलुया, काफी लोग कुछ गलतियों करने का वजह से क्या हो गया, श्रापित हो गया, कुछ गलतियों करने का वजह से श्रापित हो गया, पीढ़ी पीढ़ी तक उसका असर उस परिवार में। आपको जानते हैं वचन में क्या लिखा है मालूम है, ब्लेसिंग विल लास्ट फॉर 1000 जनरेशन, कितना जनरेशन है, 1000 पीढ़ी तक आशीष रहने वाला है, एंड द कर्स विल लास्ट फॉर 4 जनरेशन, कितना पीढ़ी तक। आमेन। आपने कुछ गलती किया उसका असर सिर्फ आपको ऊपर नहीं है, आपका 4 पीढ़ी हालेलुया सहना पड़ेगा। जादू टोना करने वाला परिवार, कुछ परिवार होते कोई भी चीज के लिए क्या करेगा, जादू टोना। मैं कहना चाहता हूं उसका 4 पीढ़ी तक श्रापित है,
अब ना तो जाके देखो कोई भी क्या बोल देता है, जादू टोना करना वाला होते उनका घर में क्या होते, पीढ़ी पीढ़ी श्रापित होती। देखा आपने वचन में लिखा है, हालेलुया, ऐसे कामों करने वाला का पीड़ा क्या होने वाला है, ऐसे कामों करने वाले का पीड़ा बैठने वाला है। धन्यवाद यीशु। ना तो जादू टोना करने वाला लोगों का परिवार का हिस्ट्री आप स्टडी करके देखो, ये सब कुछ करते उसका एक श्राप उसका परिवार के ऊपर होने वाला है। कारण क्या है? ये सब वचन में लिखा है, ये सब कुछ करने वाला का जीवन में ऐसे ही श्राप होने वाला है। देर इज अ कर्स। हालेलुया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया, यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनत हूँ, अब तो मैं सनत हूँ, अब तो मैं सनत हूँ।